नोटबंदी का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। यूपी के हाथरस जिले के कस्बा सिकंदरा राव में इलाज के अभाव में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नए नोट ना होने की वजह से इस व्यक्ति का इलाज नहीं हो पाया। पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नोटबंदी से जनता परेशान, नोटबंदी दे रही है मौत को दावत, नोट नहीं तो इलाज नहीं। मामला यूपी के हाथरस जिले के कस्बा सिकंदरा राव का है, जहां नए नोटों की किल्लत ने 50 साल के शेष कुमार की जान ले ली। परिवार का कहना है कि शेष कुमार को एकाएक सीने में दर्द उठा, जिसके बाद अस्पताल ले जाने के लिए उन्हें किराए के वाहन की जरूरत थी, लेकिन नोटबंदी का ऐसा कहर बरपा कि उनके पास किराए के पैसे भी नहीं थे। आनन फानन में शेष कुमार का बेटा बैंक भागा, जहाँ जाकर पता चला कि बैंक में पैसे नहीं हैं। मेरे पिताजी के साथ घटना हुई थी, जैसे मेरे पापा के दर्द उठा था सीने में रात को, तो जैसे दर्द उठा रात को तो हम सुबह गाड़ी कर रहे थे, गाड़ी के लिए पैसे नहीं थे, तो हमारे पास भी हम बैंक गए बड़ौदा में, तो उसमें मना कर दी कि नहीं निकल पाएंगे। फिर हम पहुंचे बैंक ऑफ इंडिया, लवलेश भैया ने हमारे मामा जी के लड़के उन्होंने दिया था चेक, तो बैंक ऑफ इंडिया पहुंचे थे तो वहां से बोला था बैंक ऑफ इंडिया मम्मी लगी हुई थी, तो उन लोगों ने बोला था कि अभी कैश आया नहीं है, कोई आ पाएगा 1 बजे करीब। तो फिर हम गए दोबारा, फिर 10 बजे गए थे, लौट के आ गए थे, फिर 1 बजे पहुंचे, 1 बजे के लगे लगे वही 3-3.5 बजे पैसे निकले हैं। जब तक निकले हैं घर पे आए तब तक पापा एक्सपायर हो गए। जब बेटे को पैसा नहीं मिला तो शेष कुमार की पत्नी ने पति को बचाने की एक और कोशिश की। मृतक शेष कुमार की पत्नी मंजू देवी बैंक ऑफ इंडिया पहुंची, जहां उन्हें निराशा हाथ लगी। बैंक ऑफ इंडिया में भी पैसे खत्म हो चुके थे। पैसे के इंतजार में मंजू देवी 3 घंटे बैंक के बाहर कतार में खड़ी रही, जिसके बाद उन्हें 4,000 रुपए मिल सके। पैसे लेकर जब तक वो घर पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेष कुमार जिंदगी की जंग हार चुके थे, इलाज के अभाव में शेष कुमार की मौत हो चुकी थी। हाथरस से डीबी लाइव के लिए विनय ओसवाल की रिपोर्ट। सरकार नोटबंदी को देश के हित में किया गया फैसला बता रही है, लेकिन अब तक नोटबंदी की वजह से करीब 100 लोगों की जान चली गई है, यानी साफ है कि नोटबंदी जनता पर भारी पड़ रही है। देखते रहिए डीबी लाइव।